चीन ने अमरीकी सियासतदानों पर कोरोना वायरस के हवाले से सरासर झूठ बोलने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि अमरीका अपने मसाइल पर तवज्जो देते हुए जल्द अज जल्द कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोई राह निकाले। माशी मैदान में एक दूसरे के बड़े हरीफ अब कोरोना के फैलाव पर आमने सामने आ गए हैं और दोनों जानब से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का अमल जारी है। गुज़श्ता दिनों अमरीकी सदर ट्रंप की जानब से चीन से हर्जाना वसूल करने की बात पर चीन ने अमरीका को झूठा करार दे दिया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान यंग शुआंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका का सिर्फ एक मकसद है और वो ये कि वायरस का फैलाव रोकने और उसको कंट्रोल करने की अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही और आवाम की तवज्जो इस जानब से हटाना। कोरोना वायरस के फैलाव पर दुनिया की दो बड़ी माची ताकतों चीन और अमेरिका में एक अरसे से कशीदगी मौजूद है और दो रोज कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन के शहर वुहान से शुरू होकर दुनिया भर में फैलने वाले वायरस से होने वाले नुकसान का चीन से हर्जाना तलब करेंगे।